हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज 2 फरवरी है और सुबह के बज रहे हैं 9:30। आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ ग्राउंड में। मैंने अपना रनिंग कर लिया है 1600 मीटर और वर्कआउट कर लिया है रनिंग के बाद। अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो रहा हूँ। इसके अभी 10-15 मिनट बाद मैं लॉन्ग जंप और हाई जंप करने जाऊँगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा इसी बीच में क्यों ना एक वीडियो बना के आप सभी लोगों के जो डाउट हो रहे हैं कि फिजिकल मार्च में हो रहा है डिले और आपकी कट ऑफ 70+ रहेगी, 75+ रहेगी, ये सारी बातें यूट्यूब पर चल रही हैं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भटकना नहीं है। मैं आपको सारी जानकारी देता हूं, तो बने रहना वीडियो में। और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत से लोग तो अभी इसी कन्फ्यूज़न में हैं, उनको यही डाउट है कि मेरे तो 4 नंबर ज़्यादा हैं, मेरे 5 नंबर ज़्यादा हैं, 6 नंबर ज़्यादा हैं, तो मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपका 1 नंबर भी ज़्यादा हो तो आप फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आपसे जिसके ज़्यादा नंबर हैं अगर वो फेल हो गया फिजिकल में या ट्रेड टेस्ट में, तो सोचिए आपका ही नंबर आएगा। तो इसीलिए आपके अगर 1 नंबर भी ज़्यादा हो और 10 नंबर भी ज़्यादा हो, तो आप तो सिर्फ़ अपना फिजिकल का ध्यान रखिए कि मुझे कैसे भी फिजिकल क्वालिफ़ाई करना है। और दोस्तों, और आप लोगों को कोई भी सॉल्यूशन चाहिए हो फिजिकल को लेके, आपकी टाइमिंग नहीं आ रही हो, पेन होता हो, या लॉन्ग जंप नहीं आ रही हो, हाई जंप नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपका हेल्प कर सकूँ। और दोस्तों, अब बात करते हैं चलो कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने नंबर बढ़ने वाला है, और फिजिकल क्या डिले हो गए हैं या फिजिकल कब से होंगे। तो चलो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलो बताता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि सभी लोग YouTube पे बता रहे हैं कि आपके जो ड्राइवर वालों के फिजिकल हैं वो मार्च की 2nd वीक में हो सकते हैं, 3rd वीक में हो सकते हैं, और वो उसका एक रीज़न दे रहे हैं कि जो अभी 2020 की ट्रेनिंग चल रही है उनकी पासिंग आउट परेड है 22 फरवरी को। तो दोस्तों, ये बात तो सच है कि उनकी 22 फरवरी को पासिंग आउट परेड है, लेकिन आप खुद सोचिएगा कि दिल्ली पुलिस क्या 22 फरवरी के बाद ही सोचेगी क्या फिजिकल कब कराना है। उन्होंने पहले से ही तारीख डिसाइड करके रखी हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही 22 फरवरी को उनकी पासिंग आउट परेड होगी, उसके एक सप्ते के बाद यानी कि फरवरी के लास्ट वीक में आपके फिजिकल चांसेस हैं पूरे पूरे स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि 25-26 तक ही हो जाएं या 27-28 तक हो जाएं। और दोस्तों, मार्च की 1st वीक तक तो आपके फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप यहाँ वहाँ की बातों में ना आएँ कि फिजिकल मार्च में जाएंगे, अभी बहुत टाइम है, ऐसा वैसा नहीं। आप तो ये मान के चलें आपके फिजिकल लास्ट फरवरी में, उसी के हिसाब से आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें, साथ ही साथ ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें। और सभी लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ 70+ रहेगी, 80+ रहेगी। तो दोस्तों, इन लोगों की बातों में नहीं आना है, ये लोग आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सब लोग पहले 2020 वाली जो भर्ती थी उसी के हिसाब से बता रहे हैं कि 10 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, 15 नंबर कट ऑफ जाएगी। दोस्तों, इसमें फिजिकल के साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी है, और ट्रेड टेस्ट सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तक दोस्तों, मुझे भी ट्रेड टेस्ट में डर लगता है कि क्वालिफाई करूँगा या नहीं करूँगा। तो दोस्तों, सभी लोगों का यही हाल है, सब लोग ट्रेड टेस्ट में बहुत से लोग फेल होंगे। तो आप कट ऑफ को अभी मत सोचिए, इतनी जाएगी अभी आप फिजिकल का ध्यान दीजिए।